बैक बैक बेंचर और आज का टॉपिक होने वाला है डंपिंग, जो कि इंतहाई इजी टॉपिक है इस पूरी बुक का, ठीक है, चुटकी बजाते ही हो जाएगा, ओके। तो डंपिंग को पहले करने से पहले इस टॉपिक को आपको एम्पलीट्यूड का पता होना चाहिए। अगर आपको ना इस एम्पलीट्यूड का पता चल जाए ना कि एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास, ठीक है, तो आपका डंपिंग खुद ब खुद ही हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी डंपिंग क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर मैं ये पहले तो ये डंपिंग होती कहाँ पे, ये ऑसिलेटिंग बॉडी में होगी, यानी वो बॉडी जो टू एंड फ्रो अपने मेन पोजिशन का क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। मैंने यहाँ पे पेंडुलम ले लिया, ये पेंडुलम का रेस्ट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको मेन पोजिशन बोलते हैं, ठीक हो गया। अगर तो ये इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी से ओ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट और बी से ओ तक का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्सटेंड करते हैं इस तरह, पॉइंट ओ से ए तक का जो डिस्टेंस होगा एक्सट्रीम, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है ये बी, ठीक है, प्रोजेक्शन डाली हुई है इस तरह, ये वाला इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट तय किया होता है ना एक बॉडी ने, वो उससे क्या होता है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये कम हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट कम होने का मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। देखो है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, देखो, लेकिन अगर मैं इसको यहां से छोड़ता हूं तो यहां से यहां तक अभी आएगा, देखो यहां से यहां तक इससे क्या हो गया एम्पलीट्यूड, फिर यहां से यहां ये भी से क्या हो गया एम्पलीट्यूड, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वक्त के साथ कम होता जाएगा और फिर आखिर में क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट में घटाव होता है, रिडक्शन होती है, ठीक है, डिक्रीजिंग हो रहा होता है जिसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में, यही क्या होता है, यही हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से जा रहा है तो मैं कहूँगा इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लेकिन वक्त के साथ क्या हो रहा होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसका एम्पलीट्यूड है ये आस्ते आस्ते क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, इसी चीज़ को हम बोलते हैं डैम्पिंग। मैं इसको ग्राफ से बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो ये मेरे पास एक ग्राफ है, ओके हो गया, ये बड़ी, ठीक हो गया, फिर वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, मैं इसको दोबारा ट्रैक करता हूँ। देखो यार ये हो गया मेरे पास, ठीक है, ये देखो ये ज़्यादा हुआ और फिर ऊपर से भी कम कर रहा है तो नीचे से भी कम कर रहा है ना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, पहले जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या था, ज़्यादा था, उसको मैं एम्पलीट्यूड वन कह देता हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड कम हुआ, देखो अब हाइट क्या होगी, कम होगी मीन पोजीशन से, जिस तरह मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा, ठीक हो गया, और आखिर में क्या होगा, मजीद कम हो जाएगा, इसको मैं ले लेता हूँ A3, ठीक हो गया, ऊपर से भी कम हो रही है वेव, नीचे भी, ग्राफ की सूरत में मैंने बना के दिखा दिए। तो एम्पलीट्यूड क्या है यार, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का जो घटाव हो रहा है, और अगर मैं कहूँ जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट तय किया होता है वो उसका फर्स्ट एम्पलीट्यूड होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट में जो घटाव हो रहा होता है वो उसके मजीद एम्पलीट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर जिसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा होता है किसी भी हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी का, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर, वेरी। अच्छा, और ये क्यों कम हो रहा है, कभी सोचा कि जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो डाउन, मतलब क्यों हो रहा है ये, इसके क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड क्यों कम हो रहा है, कभी सोचा क्यों, उसकी वजह है क्योंकि इस पे ढेर सारे इस वक्त फैक्टर जो है इस पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे फ्रिक्शन का जो है वो एयर का फ्रिक्शन है, यहाँ पे हवा है, हवा इसको क्या कर रही है, रोक रही है, आगे जा रहा है, तो वो हवा का जो फ्रिक्शन होती है या कोई भी किसी भी फ्रिक्शन की वजह से, अगर मैं स्प्रिंग वाले केस में ले लूँ, जो मैस अटैच्ड हुआ स्प्रिंग हम अगर ले लेते हैं, तो देखो ये मेरे पास एक सरफेस है, यहाँ पे मैंने ये स्प्रिंग लगाया और इसको मैंने क्या कर दिया, एक मैच के साथ अटैच कर दिया और इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, अब यहाँ से मीन पोजीशन से ये वाला हिस्सा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, हाईएस्ट डिस्टेंस जो इससे डिस्प्लेसमेंट तय किया, इसका क्या कहूँगा मैं, एम्पलीट्यूड है, लेकिन वक्त के साथ क्या क्या होगा, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा और इसी डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, घटाव आने लग जाएगा। वो घटाव क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है इसके सरफेस पे ना, वो फ्रिक्शन इसको रोकेगी, हवा है, ये सरफेस फ्रिक्शन है, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता रोकेगी और उस रोकने कि वैसे क्या होती है, हमारे पास डैम्पिंग आ जाती है। वो फैक्टर क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम होने का जो मेन फैक्टर है वो क्या है, वो बच्चों फ्रिक्शन है, आपने बताओगे यार वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, मैच अटैच स्प्रिंग होगा तो फिर क्या हो रहा है, सरफेस की वजह से हो रहा है, एयर फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, सेम केस विद द पेंडुलम हो रहा है, हवा का फ्रिक्शन है, ठीक है, अर्थ भी क्या कर इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है यहां पर, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इज इट क्लियर, वेरी इजी, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज यहां याद रखनी है आपने, जो मेन है ना,
कि एम्पलीट्यूड तो कम होगा, ठीक है, रिड्यूस होगा वक्त के साथ साथ, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते कि फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही होगी, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। अगर ये इस पॉइंट से ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अगर एक साइकिल काटता है एक सेकेंड में, अगर ये वो एक ही फ्रिक्वेंसी हमें दे रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब ये कम होगा ना, अब बॉल क्या होगा, बॉल थोड़ा यहाँ से आएगा, ठीक है, तो आपकी बार भी फ्रिक्वेंसी सेम ही होगी, टाइम सेम ही आएगा, ऐसे नहीं होगा अब टाइम चेंज हो जाएगा। अगली दफा जूं जूं आहिस्ता हो रहा है ना, जूं जूं आहिस्ता होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, इवन के जो आखिरी टाइम में भी उसका जो होगा वो क्या रहेगा, वो फ्रिक्वेंसी जो होगी वो सेम ही आएगी, जितनी पहली आई थी, पहले एम्पलीट्यूड की आई थी उतनी ही आखिरी वाली की आएगी। ऐसे नहीं होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होगा फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। तो ये चीज़ें याद रखें। बैक बेंचर हम ये देखेंगे किस तरह डैम्पिंग होते वक्त हमारा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोले तो डिस्प्लेसमेंट, जो मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो ऐसा ऐसा क्या हो रहा होगा, एम्पलीट्यूड हमारा कम हो रहा होगा, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है एक ओसिलेशन को कंप्लीट होते वक्त, जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का जो टाइम होगा वो क्या रहेगा, वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा, इवन के लास्ट जो हमारे पास पेंडुलम जो हमारा होगा वो लास्ट जो साइकिल काटेगा उसमें भी हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा एक ओसिलेशन कंप्लीट करने का वो उतना ही होगा जितना वो फर्स्ट टाइम एक साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो हम इसको बहुत ही स्लोमो में देखने वाले और हर दफ़ा हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, एम्पलीट्यूड कम हो रहा होगा, अगेन रिपीट एम्पलीट्यूड कम हो रहा होगा, लेकिन जो टाइम होगा फॉर द फ्रीक्वेंसी वो क्या आएगा, वो सेम ही आएगा, हमारे पास हर दफ़ा फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, सेम आएगी। तो चले देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी देख सकते हैं कि हमने इस पेंडुलम को एक एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जा चुके हैं और हमारे पास साइड पे टाइम वॉच आ रहा है जिससे बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो इसका विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम हो रहा होगा, लेकिन जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, जो टाइम पीरियड है, वो हर साइकिल का सेम ही निकलेगा, ठीक है। हम देखते हैं अब इसको, ये देखो हमने पेंडुलम को छोड़ा और ये वापस आ गया, आपने टाइम नोट किया, देखो टाइम सेम ही है। अब ये पेंडुलम दोबारा जाएगा, अगर ये दोबारा जा रहा है तो कॉमन सेंस इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो ये दोबारा जा रहा है और ये वापस आ रहा है और ये सेम ही लेगा टाइम जितना इसने फर्स्ट में लिया होगा। अगर अभी थर्ड में दोबारा जाएगा तो अब भी ये देखो, अब देखो उसका डिस्टेंस कम हो गया मीन पोजीशन से, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है, लेकिन हर दफ़ा फ्रिक्वेंसी सेम आएगी। ये चीज़ जो है माइंड में रखनी है। एक दफ़ा फिर से हम देखते हैं इसी को, हम दोबारा प्ले करते हैं इसी वीडियो को और ये देखो अब की बार भी चौथी दफ़ा भी हमारे पास ये देखो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, हालांकि उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये रिजल्ट आखिरी दफ़ा तक भी हमें सेम ही मिलेगा। ओके, होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। #peace out, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।